एक साइड में पक गया है दोस्तों, उसको काटने जा रहे हैं। क्या मस्त हम लोग का पात पुरवा रोटी बन रहा है दोस्तों, कोयला फूल का मस्त बना है दोस्तों। देखिए अभी दोनों नंद भैया मिल करके अभी देखिए पत्री टीप रहे हैं ये लोग। क्या मस्त लग रहा है दोस्तों कोयला फूल का पात पुरवा रोटी, बहुत ही मस्त लग रहा है इधर। हेलो दोस्तों, आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। दोस्तों आज हम लोग बनाने वाले हैं सखुआ पत्ते का, आज हम लोग बनाएंगे दोस्तों आज पात पुरवा रोटी, कोयला फूल उसमें डाल करके बनाएंगे और ये बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। पिछले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाए थे कि कोयला फूल का हम लोग छिलका रोटी बनाए थे तो वो काफ़ी टेस्टी लगा था। और भी कई वेराइटी बनता है दोस्तों सखुआ पत्ते में, तो आज हम लोग बनाने वाले हैं सखुआ पत्ते का आज पात पुरवा रोटी बनाएंगे कोयला फूल डाल करके। और कोयला फूल का और भी अच्छा अच्छा रेसिपी बनता है तो वो सब भी बनाएंगे, जैसे उसका सब्जी भी बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं सखुआ पत्तों में आज बनाएंगे कोयला फूल का पात पुरवा रोटी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जंगल, कोयला फूल भी लेते आएंगे और सखुआ पत्ता भी लेते आएंगे दोस्तों। क्या जी? हाँ जी। तो चलिए जी। हाँ चलिए। चलिए तो अभी हम लोग घर से निकल गए हैं दोस्तों सखुआ पत्ते लाने के लिए। दोस्तों हम लोग सखुआ का जंगल पहुंच गए हैं, अब देखते हैं इधर सखुआ का पत्ता बढ़िया बढ़िया तोड़ते हैं। चलिए जी देखिए। देख रहे हैं जी। देखिए उधर में बहुत सखुआ है लेकिन पत्ता सब फट गया है ना जी? फट गया। हाँ, दो टुकड़ा हो गया। आइए इधर देखते हैं, बहुत बड़ा सखुआ का घना जंगल है दोस्तों लेकिन एकदम पत्ता सब जो है पूरा एकदम फट गया है, एकदम कीड़ा सब ये सब खाता है ना इसीलिए फाड़ दिया है ना जी? हाँ जी। अच्छा, इसीलिए इतना फट गया है। चलिए और देखते हैं इधर। अच्छा अच्छा, यही सखुआ का पेड़ में देखते हैं दोस्तों, अच्छा अच्छा पत्ता देख करके तोड़ लेते हैं। देखिए ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया पत्ता है, साइड साइड में फटा हुआ है तो कुछ नहीं होगा, यही सब देख करके तोड़ लेते हैं। क्या जी? हाँ जी। देखिए इस तरह से पत्ता मिल रहा है, चलेगा ना? देख रहे हैं? हाँ। इतना बड़ा बड़ा चलेगा? हाँ। ठीक है और तोड़ रहे हैं। देखिए ये एकदम पूरा बढ़िया पत्ता है, बहुत अच्छा पत्ता है ये। ये सब पकड़ते जाइए। दोस्तों देखिए रंगीला पापा चढ़ा है पेड़ पर और पत्ता तोड़ने के लिए। मिल रहा है जी? हाँ जी। देखिए इतना ढला ढला मिल रहा है पत्ता। ढला मिलता? हाँ, लीजिए पकड़िए। उधर बहुत बड़ा बड़ा पत्ता है जी लेकिन उधर चढ़ने के लिए बंद भी नहीं कर रहा। देख रहे हैं कितना ढला ढला है? हाँ है। ये देखिए दोस्तों हम लोग इतना सखुआ का पत्ता तोड़ लिए हैं, अब हम लोग चलते हैं घर क्योंकि बहुत ज़्यादा शाम होने चला दोस्तों, अब ठंडा लग जाएगा और हम लोग को कोयला का फूल भी तोड़ना है। क्या जी? हाँ जी। तब हम लोग को निकलना चाहिए। हाँ चलिए निकलिए। चलिए दोस्तों हम लोग कोयला पेड़ के सामने आ गए हैं। चलिए जी। चलिए चलिए तोड़ते हैं फटाफट। हाँ चलिए तोड़ेंगे। हाँ देखिए सामने में बहुत एकदम अच्छा फूला हुआ है, एकदम एकदम एक नंबर फूल है एकदम जी। हाँ जी बहुत अच्छा फूल है। हाँ चलिए इसी को तोड़ते हैं। हाँ चलिए। चलिए आइए आइए। यही क्या चाहिए? हाँ यही पेड़ को चढ़ते हैं। चढ़ने से क्या? हाँ इसी को चढ़ते हैं और तोड़ते हैं फटाफट। हाँ है ना? ठीक। लीजिए इसको पकड़िए, पत्ता सबको निकाल दीजिए पहले। चलिए निकालिए पत्ता को, हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में फिर हम लोग गाछ को चढ़ेंगे। जय बजरंगबली। गाछ में तो हम लुम्बा गए जी। देख पा रहे हैं? नहीं जी, हर का देख रहा है। बहुत एकदम ज्यादा पत्ता है। पत्ता तो है जी। ये देखिए दोस्तों कितना मस्त मस्त एकदम फूल फूला हुआ है, कोयला का फूल बहुत ही मस्त है दोस्तों। ये देखिए कितना मस्त है, एकदम मस्त एकदम लग रहा है एकदम देखने में एकदम। और इसका फूल का सब्जी भी बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों, खाने में मजा आ जाता है। तो तोड़ लेते हैं इस सबको। एकदम फूल करके देखिए एकदम पूरा एकदम सफेद हो गया है, देखिए झड़ जा रहा है फिर भी तोड़ते तोड़ते।
दोस्तों हम उतार रहे हैं। किधर गए जी? हाँ इसको पकड़िए, ये लीजिए झोला। हाँ हम उतार रहे हैं। क्या क्या चीज झाड़ता है जी? खुजली होने लगा, देखिए सब में एकदम खुजलाता है। हाँ। हम उतर गए दोस्तों, और देखिए दोस्तों इतना फूल तोड़ लिए हैं, ये देखिए दोस्तों। हम लोग पत्ता डाल लेते हैं, उसके बाद में चलेंगे। हाँ। दोनों यही डालिए ना, अलग अलग कहाँ पाइएगा ले जाने के लिए। क्या टांगी किधर गया जी? देखिए उधर है। हाँ चलिए। हाँ चलिए कौन ढूंढ में आए हैं जी? चप्पल भी खुल जा रहा है जी, देख रहे हैं। हाँ इतना गा जा रहे हैं ना दोस्तों। हम लोगों का सखुआ पत्ता और कोनर का फूल हो गया है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं घर। चलिए जी, फंस गया। चलिए जी, चलिए 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 दोस्तों, हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। चलिए जी। हाँ चलिए चलिए। देखिए पूरा एकदम बेरा डूब गया है। हो गया। हाँ अब ठंडा लगने लगा। हाँ। देखिए जी लक्ष्मी क्या कर रही है। आओ लक्ष्मी। ये पतई है बाबू, पतई सखुआ पतई। सखुआ पतई है और कोनर का फूल है दोस्तों। देखिए हम आग जला लिए हैं, यहाँ पर सीझने के लिए देंगे। अभी कोनर फूल लाए हैं उसको, और देखिए वो लोग अभी बीछ रहे हैं। बिछा हुआ हो गया? हो गया एकदम मस्त, एकदम फूल दिख रहा है ना। हाँ एकदम खाली में तो इतना मस्त लग रहा है ना, पूरा एकदम मस्त लग रहा है एकदम। बहुत मस्त, खाने में भी मस्त लगेगा। खाने में भी मस्त लगता ही है, तो हम लोग छिलका रोटी बनाए थे वो कितना मस्त लगा था। हाँ। खाने में एकदम मजा आ गया था, उसी तरह से ये भी लगेगा। ये तो हम लोग सखुआ पतई में बनाएंगे हम लोग इसको, पात पूरा रोटी ना, तो एकदम और एकदम टेस्ट लगेगा, एकदम खाने में मजा आ जाएगा। थोड़ा सा का पकौड़ी भी बनाएंगे। अच्छा थोड़ा सा का पकौड़ी भी बनाएंगे। हम्म। हाँ तो ठीक है, पहले हम लोग पात पूरा रोटी बना लेते हैं, उसके बाद में जो भी बचेगा हम लोग पकौड़ी बना देंगे। तो चलिए दे दीजिए उसको, है ना, पीने के लिए दे दीजिए। देख देख के डालिए जी। हाँ जी। और लक्ष्मी देखिए ये भी बीचने खोज रही है ना। हाँ देखिए। क्या हुआ लक्ष्मी बेटा, बीच रही है? दोस्तों देखिए लक्ष्मी को एकदम फूल में इतना एकदम रीझ लग रहा है, इधर खेलने के लिए कैसे एकदम आ गई है। समझ रही कहाँ है? और देखिए रंगीला बाबू उधर आ गया, इधर क्या कर रहा है बाबू? देखिए आग जल गया। जल गई। हाँ जल्दी से निकाल करके दे दीजिए। हाँ हो गया दोस्तों, हम पानी देने जा रहे हैं, सीझेगा इसमें। हाँ, हो जाएगा, इतना हो जाएगा। हाँ। चढ़ा दीजिए, चढ़ाइए जी। आज देखिए कितना मस्त जल रहा है। डाब दीजिए, ढक्कन लगा दिए दोस्तों, अब ये सीज जाएगा। मोटा मोटी 15-20 मिनट लगेगा ना जी? हाँ जी। हाँ तो छोड़ देते हैं। मसाला पीस। हाँ इसको सीझने दीजिए ना, उसके बाद में चलिए हम लोग धोधा करके आते हैं। हाँ चलिए। उसके बाद में आप मसाला पीसने लगिएगा। हाँ, ठीक है। चलिए इसको सीझने के लिए छोड़ दीजिए, इसको इसको सीझने के लिए छोड़ देते हैं दोस्तों। 10-15 मिनट में सीझ जाएगा ये, तब तक हम लोग धोधा करके आते हैं झरना से। दोस्तों कोयनार फूल सीझ गया है, और देखिए अच्छा तरह से इसको धोधा करके जो है इसको छाक लिए हैं। और देखिए अभी कविता जी कढ़ाही चढ़ाने जा रही हैं। चढ़ाइए जी, तेल डाल दीजिए, बस हो जाएगा। चलिए जी डाल दीजिए, गर्म हो गया। दोस्तों प्याज भुजा गया, अब इसको डालने जा रहे हैं। हाँ डाल लीजिए। क्या कर रहा है बाबू? बाबू क्या कर रहा है? अच्छा देख रहा, पढ़ाई नहीं करेगा? कहाँ है? मिल जा रहा, खाना खाएगा तब ना। नमक डाल दे रहे हैं दोस्तों, दोस्तों भुंजा गया है, अब इसको उतार रहे हैं कविता जी। चलिए उतारिए। हाँ। भुंजा गया ना? हाँ जी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, है ना दोस्तों। देखिए अभी दोनों ननद भौजा मिल करके अभी देखिए पतरी टीप रहे हैं ये लोग, और पतरी टीपने के बाद में फिर आटा सानेगी और फिर इसमें पकाएगी फिर पात पौड़ा रोटी को। हाँ इसी में पकाएंगे। हाँ
सोना में एकदम मस्त टिप रही है जी, आप कैसे टिप रहे हैं? पतल बहुत ही मस्त एकदम टिपती है दोस्तों, देखिए एकदम सोना में एकदम मस्त एकदम जानती है। हाँ कविता जी देखिए कैसे टिप रही है, अच्छा बन रहा है जी। दोस्तों देखिए सोना में एक थोड़ा पतल टिप करके रेडी कर ली है, और देखिए कविता जी अभी देखिए एको को नहीं रेडी की है, देखिए अच्छा की है एक ना। कौन खाएगा इसे? कौन खाएगा जी इसे? दोस्तों इतना हम लोग पतल टिप लिए हैं और धोने जा रहे हैं, पतल को गंदा है धोए के बनाएंगे। हो गया है? हाँ इतना हो गया धोना, और इतना बाकी है अभी। दोस्तों पत्र धो लिए हैं, अभी तवा धोने जा रहे हैं, इसी में बनाएंगे अभी। हाँ जी ये आटा है, आटा देने जा रहे हैं। हाँ डाल दीजिए, हो जाएगा। हाँ बस बस इतना सब्जी बनाएंगे। हाँ सब्जी और पकौड़ी बनेगा। हाँ मसाला दे दीजिए। डाल दिए मसाला, मिला लिए जी। हाँ डाल दे पानी। हाँ डाल दीजिए। लक्ष्मी उठ गई जी। दोस्तों कविता जी आटा सान ली है, कोनर फूल मिला करके मसाला वसाला सब डाल दी है, अब इसको देने जा रही है पत्तल में। चलिए जी डालिए। इसको चढ़ा लीजिए। तो अब इसको इस तरह से ढक दीजिए, मस्त एकदम बन गया एक ठो। डालिए तवा में, एक ठो बन गया है दोस्तों, अभी तवा में डालने जा रही है। डाल दिए जी। हाँ जी इधर हम आँच लगा दे रहे हैं। क्या हुआ लक्ष्मी? हेलो क्या कर रही है? लहसुन खा रही है? बोलो ढेठा है, छोड़ दो। बोलो छोड़ दो ढेठा आयो। एक साइड में पक गया है दोस्तों, स्कूल जाने जा रहे हैं। क्या मस्त हम लोग का पात पुरवा रोटी बन रहा है दोस्तों, कोयला फूल का। ये देखिए दोस्तों एक साइड में ये देखिए पूरा एकदम जल गया पत्ता, इसका मतलब कि एक साइड में पक गया है पूरा, अब नीचे साइड में पक रहा है। क्या जी? हाँ जी वो पक रहा है, तब तक हम लोग दूसरा तैयार कर लेते हैं दोस्तों। चलिए जी दीजिए। हाँ दे रहे हैं। बनाइए दूसरा। क्या मस्त खुशबू आ रहा है दोस्तों, क्या ही मस्त हम लोगों का सखुआ पातों में बन रहा है दोस्तों, कोनार फूल का पात पुड़वा रोटी, पूरा एकदम मजा आ जाएगा खाने में। क्या जी? हाँ जी आनंद आ जाएगा खाने में, खाने में आनंद आ जाएगा एकदम। ऊपर डाल देते हैं। हाँ ढक दीजिए। ये देखिए दोस्तों ये भी पक गया है, ये देखिए ये अपने आप छोड़ दिया है, देखिए पूरा एकदम मस्त पका है एकदम। और एक बार उड़ा देते हैं, अच्छा से पकाते हैं। और क्या मस्त हम लोगों का सखुआ पत्तों में बना है दोस्तों, कोयला फूल का पात पुड़वा रोटी, ये देखिए पूरा एकदम मस्त बना है। सब कुछ गया जी, सब पत्ता उचड़ गया जी, देखिए इतना मस्त पका ना, कैसा बज रहा है, पूरा पका जैसा बज रहा है ना। हाँ जी अब इसको निकाल देते हैं। हाँ निकाल दीजिए, पत्तल में ही रखते जाएंगे दोस्तों, रख दिए, बाद में उसको फिर उचाड़ेंगे जो बचा हुआ है। चलिए जी डालिए। दूसरा बार डाल दिए दोस्तों, अब पकने के लिए, अब ये फिर पकेगा एक साइड में, तो फिर उसको उलार देंगे। इसी तरह से हम लोग बना लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये लास्ट बार था दोस्तों, देखिए पक गया है, अब इसको रखते हैं। क्या मस्त लग रहा है दोस्तों, कोनार फूल का पात पुड़वा रोटी एकदम बहुत ही मस्त लग रहा है, एकदम पूरा एकदम स्वादिष्ट बना है दोस्तों। तो चलिए जी खा करके टेस्ट करते हैं कैसा बना हम लोग का कोनार फूल का पात पुड़वा रोटी। हाँ, है ना? चलिए इतना हम लोग बना लिए हैं दोस्तों, टेस्ट करने जा रहे हैं। लीजिए जी, लीजिए खा करके टेस्ट कीजिए। सोनम हाँ खा करके टेस्ट करो। हाँ ठीक है ना, हम खाते हैं अब। हाँ खाइए।
अरे वाला मम्मी पापा के लिए रख देते हैं, है ना। क्या है कि इतना टेस्ट बना हुआ होगा ना कि उन लोग फिर कहेंगे कि हम लोग के लिए मतलब रख भी नहीं दिए, इसीलिए उन लोगों को दो आदमी के लिए दो ठो रख दिए हैं। और बाबू मुन्नी भी इसी में खा लेंगे वो लोग भी, और हम लोग इतना में खा लेते हैं, है ना। एकदम मस्त बना, बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया खाते खाते। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाय 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 बाय।